हेलो दोस्तों, आज हम अपनी और अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर काफी सतर्क हो चुके हैं और इसका कारण है हमारे चारों ओर बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस, और इनसे बचने का केवल एक ही तरीका है, हमारी इम्यूनिटी। बस आपको करना ये है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली कुछ खास चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे सामने आती है कि ये चीजें हमें आसानी से नहीं मिल पाती, और अक्सर हमें ये भी पता नहीं होता कि इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली इन चीजों को कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बताऊंगी जो कई नेचुरल पावरफुल हर्ब से मिलकर बना है। इस सप्लीमेंट का नाम है एन वेदा इम्यूनिटी बूस्ट। इसे कब और कैसे लेना है यह भी आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि ये इम्यूनिटी बूस्ट किन किन चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहली हर्ब है पपाया लीफ। पपाया लीफ में कई तरह के एक्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे पपेन, काइमोपपेन। ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही इनडाइजेशन, ब्लोटिंग और डाइजेशन से जुड़ी दूसरी समस्याओं को भी दूर करते हैं। इसके अलावा पपाया लीफ में कार्पेन, स्यूडोकार्पेन और डीहाइड्रोकार्पेन जैसे एल्कलाइड कंपाउंड होते हैं जो कैंसर से हमारा बचाव करते हैं। पपाया लीफ में विटामिन ए, बी, सी, ई, के जैसे जरूरी विटामिन भी होते हैं। साथ ही इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। और यह तो हम जानते ही हैं कि एडीज मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, और डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती हैं, और प्लेटलेट्स को बढ़ाने का सबसे आसान व असरदार तरीका है पपाया लीव्स। पपाया लीव्स हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती हैं। दूसरी हर्ब है गिलोय। गिलोय को अमृता भी कहते हैं, और गिलोय अपने नाम की तरह अमृत के समान होती है। यह हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, आंखों, आंतों व पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। साथ ही हमारे शरीर को बाहरी संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। गिलोय हमें बैक्टीरियल व वायरल इन्फेक्शन से भी बचाती है, क्योंकि गिलोय में एंटी पायरेटिक, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही गिलोय पाचन को बेहतर कर इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। इसके अलावा इस इम्यूनिटी बूस्ट में फेन्यूग्रीक सीड यानी मेथी के बीज भी है। मेथी दाना पाचन से संबंधित सभी परेशानियों को दूर करता है, साथ ही यह शरीर के अंदर की सूजन को कम करने में हेल्प करता है, चाहे वह किसी भी कारण से हो। मुंह के छाले, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, किडनी की डिजीज, क्रोनिक कफ, एनीमिया, बुखार, डायबिटीज और सांस से संबंधित परेशानियों को ठीक करने में मेथी दाना बहुत ही असरदार होता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम कर हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके अलावा मेथी दाना हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। इस इम्यूनिटी बूस्ट में पोमेग्रेनेट यानी अनार भी है, और अनार को लेकर बनी एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, एक अनार सौ बीमार। यानी अनार एक ऐसा फल है जो 100 से भी ज्यादा बीमारियों को ठीक कर सकता है, और अनार में 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, टैनिंस, एलर्जिक एसिड और एंथ्रोसाइनिन। ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की हर एक सेल को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा अनार में फाइबर, विटामिन बी, सी, के, आयरन, पोटेशियम, जिंक और ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। इसके अलावा इसमें पुनर्नवा भी मिक्स है। पुनर्नवा का मतलब होता है दोबारा से नया होना, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है जो बुढ़ापे को काफी हद तक कम कर देता है। यह लीवर की सूजन को कम करता है और किडनी में जमा गंदगी को बाहर निकालता है। आयुर्वेद में पुनर्नवा को सभी रोगों का नाश करने वाली औषधि कहा गया है, क्योंकि यह शरीर में रस यानी रसायन को बढ़ाता है, और यही रस हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इस इम्यूनिटी बूस्ट में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, जिसका नाम है बेजल यानी तुलसी, क्योंकि तुलसी में एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट व एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही तुलसी में कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जो शरीर में बीमारियों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज के उत्पादन में कई प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करते हैं, जिससे हम जल्दी बीमार नहीं होते। इसके अलावा इसमें गोट मिल्क पाउडर भी मिक्स है। गोट मिल्क में कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर और विटामिन बी जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, साथ ही दांतों व हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। सेलेनियम भी इसमें हाई अमाउंट में होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और अगली हर्ब है हल्दी। हल्दी के अनगिनत फायदे होते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन कंपाउंड एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है। हल्दी में एंटी ऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। हल्दी खून को साफ करती है। आयुर्वेद के मुताबिक हल्दी एक नेचुरल पेन किलर होती है।
हल्दी आंतों को स्वस्थ रख पाचन से संबंधित सभी परेशानियों को दूर करती है। इस इम्यूनिटी बूस्ट की एक दिन में आपको 2 टैबलेट हल्के गर्म पानी के साथ लेनी है और यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ये आपको अमेजोन पर 380 रुपीज में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें।